नमस्कार, जयंत की पुकार में आपका स्वागत है। उपराज्यपाल की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए के ड्रग्स को किया आग के हवाले। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस प्रतिबंधित मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जब्त किए गए प्रतिबंधित मादक पदार्थों को नष्ट किए जाने की भी प्रक्रिया जारी है। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने जब्त की गई करोड़ों रुपए की 2300 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स को आग लगाकर नष्ट कर दिया। इसके लिए बाहरी पश्चिमी दिल्ली के निलोठी में एक इंसिनरेटर में आग लगाकर इसे नष्ट किया गया। इन मादक पदार्थों को दिल्ली के उपराज्यपाल विकी सक्सेना और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा और मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए बनाई गई समिति के अधिकारियों की निगरानी में आग के हवाले किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसियों की अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तर्ज पर ड्रग्स को नष्ट किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि आज 2894 किलो ड्रग्स को जलाया गया है, जिसकी कीमत 1500 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। ऐसा पहली दफा दिल्ली में हुआ है जब इतनी क्वांटिटी में ड्रग्स को जलाकर नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ देश भर में कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान में दिल्ली पुलिस की अहम भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस न सिर्फ दिल्ली के बाहर बल्कि दूसरे राज्यों में लिप्त ड्रग्स तस्करों की पकड़ के लिए वहां की स्थानीय पुलिस की भी मदद कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पहली बार नष्ट किया गया है, आगे भी इसी तरह से ड्रग्स को जब्त और नष्ट किया जाता रहेगा, जिससे दिल्ली सहित देश भर में युवाओं को ड्रग्स के खतरे से बचाया जा सके। आज दिल्ली में एक नया इतिहास लिखा गया है और क्राइम ब्रांच ने, स्पेशल ब्रांच ने जो ड्रग्स को पकड़ा था उसे आज जो है जलाया गया है। ये लगभग 2894 केजी ड्रग्स है, जिसकी वैल्यू 1500 करोड़ से ज़्यादा है। ये पहली दफ़े ऐसा हो रहा है कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स को पकड़ कर जलाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि देश में माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रग्स को कैसे इस देश से कम किया जाए और उसे पकड़ कर लोगों को पनिशमेंट दिया जाए, उसका एक अभियान चल रहा है। जब कोई देश प्रोग्रेस करता है तो हमेशा वो ताकतें जो चाहती हैं कि देश कमज़ोर हो, उसमें ड्रग्स जैसे मेनस को जो है कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट कराया जाए। इन डेज में देखा गया है कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा देश में आ रही है और हमारी फोर्सेस उसे पकड़ भी रही हैं, पनिशमेंट भी दिए जा रहे हैं। इस तरीके के अभियान जब शुरू किए जाते हैं तो उसका लक्ष्य होता है कि हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स से दूर रहे। देश को कमज़ोर करने के लिए कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो हमेशा ड्रग्स को देश में लाकर यूथ को कमज़ोर करने का काम करती हैं। तो मैं बहुत सराहना करता हूं हमारी दिल्ली पुलिस की, जिसने बड़ी मजबूती से इन कामों को किया हुआ है। और जैसे भी दिल्ली के अंदर ड्रग्स कोई आती है, इमीडिएटली स्पेशल सेल जो है या क्राइम ब्रांच है उसे पकड़ती है और इमीडिएटली उसको जो है पनिशमेंट के लिए ले जाया जाता है। उनके साथ क्लेसेस चलते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज जो शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम इस तरीके के प्रोग्राम्स और करते रहेंगे, जिससे कि ड्रग्स का जो मेनस है दिल्ली के अंदर टोटली ख़त्म कर दिया जाए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि दिल्ली पुलिस बहुत मुस्तैदी से ड्रग्स के इस मेनस को दिल्ली से हटाने का काम कर रही है और जिस तरीके से इस काम को दिल्ली में किया जा रहा है, मुझे बताया गया है कि बहुत जगहों पर दिल्ली के किसी बाहर के इलाके में भी जब कोई ड्रग्स का कोई कंसाइनमेंट आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर दिल्ली पुलिस को मिलती है तो उसको भी शेयर किया जाता है, जिससे कि उस स्टेट की पुलिस भी उसको पकड़े और उसको कंसाइनमेंट को कंसिफिकेट करे और उसके साथ साथ जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ कर उसको पनिशमेंट दिलाया जाए। तो आज मैं फिर कहना चाहूँगा कि एक बहुत ऐतिहासिक दिन है दिल्ली के अंदर। 2018 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।